मैं राजेश गोड, आपका आपके अपने चैनल मैथ वाला माई एनी टाइम क्लासरूम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम मॉडर्न फिजिक्स के 56 क्वेश्चन देखेंगे और उसके बाद पॉलिटिकल साइंस के करीब करीब 150 क्वेश्चन देखेंगे। तो देर न करते हुए आइए वीडियो को शुरू करते हैं और इस वीडियो का टारगेट है आपकी प्रैक्टिस करवा देना। किसकी भेदन अक्षमता सर्वाधिक होती है? किसकी भेदन अक्षमता सर्वाधिक होती है? तो आपको बताना किसकी भेदन अक्षमता सर्वाधिक होती है, तो ये होती है किसकी? गामा किरणों की। किसकी? गामा किरणों की। और गामा किरणें किससे बनी होती हैं ये भी आपसे पूछता है। गामा किरणें किससे बनी होती हैं? गामा किरणें आपकी फोटोन से बनी होती है। किससे बनी होती हैं? फोटोन से बनी होती हैं। और इन पर कोई भी आवेश नहीं होता, इन पर कोई भी आवेश नहीं होता, ये भी एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है। इन पर कोई भी आवेश नहीं होता और ये विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्रों से प्रभावित नहीं होती, यानी कि चाहे तो विद्युतीय क्षेत्र हो और चाहे आपका चुंबकीय क्षेत्र हो, ये किसी भी क्षेत्र में प्रभावित नहीं होती। क्वेश्चन नंबर दो है आपका, नाभिक रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होती है। नाभिक रिएक्टर में ऊर्जा किस उत्पन्न होती है? ये होती है आपकी नियंत्रित विखंडन के द्वारा। किसके द्वारा? नियंत्रित विखंडन के द्वारा। किसके द्वारा? नियंत्रित विखंडन के द्वारा। रेडियो सक्रिय नाभिकीय अवशिष्ट घातक होते हैं क्योंकि पर्यावरण में उनकी उपस्थिति से, आपके सामने ऑप्शन, आप फटाफट आंसर करते जाइए। रेडियो सक्रिय और नाभिकीय अवशिष्ट घातक क्यों होते हैं? क्योंकि कायिक और आनुवंशिक दोनों को ही ये अक्षति पहुंचाते हैं। किस किस को? कायिक को भी और आनुवंशिक दोनों को क्या करते हैं? अक्षति पहुंचाते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर है, इनमें से कौन चुंबक से व्याकुंचित होता है? इनमें से कौन चुंबक से व्याकुंचित होता है? तो आंसर क्या मिलेगा आपको? आंसर मिलेगा तीन, बीटा किरणें। राइट आंसर क्या इसका? बीटा किरणें। क्वेश्चन नंबर पांच है, पी एन संधि के राशि स्तर की चौड़ाई क्या है? इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। पी एन संधि के राशि स्तर की चौड़ाई कितनी है? तो ये आपको ऑप्शन दिए हुए, इसमें हल्के माध्यम से घटती है, भारी माध्यम से बढ़ती है, तो आप चेक करो फटाफट। अनुप्रयुक्त वोल्टता से स्वतंत्र होती है और पक्ष दिशिक बायस के अंतर्गत बढ़ती है। तो राइट आंसर क्या है इसका? यही इसका राइट आंसर है, फोर नंबर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर पाँच देखेंगे, सॉरी पाँच था, छः देखेंगे। एक लचीली केबल के लिए समुचित इंसुलेशन क्या होता है? एक लचीली केबल के लिए समुचित इंसुलेशन क्या होता है? ये होता क्या? पेपर इंसुलेटिंग टेप। क्या होता है? पेपर इंसुलेटिंग टेप होता है। क्या होता है? पेपर इंसुलेटिंग टेप होता है। आंसर क्या है इसका? सी। एक प्रकाश उत्सर्जित डायोड बनाया जा सकता है। एक प्रकाश उत्सर्जित डायोड बनाया जा सकता है, तो किससे बनता है ये? ये बनता है आपका किसे? गैलियम आर्सेनाइड से। किसे? गैलियम आर्सेनाइड से। फोर इज द राइट ऑप्शन। सौर ऊर्जा का कारण है, सौर ऊर्जा का कारण है, सौर ऊर्जा का क्या कारण है? सौर ऊर्जा कारण है नाभिकीय संलयन, यानी कि संलयन अभिक्रियाएं। ए इज द राइट ऑप्शन। ग्रीन हाउस पृथ्वी के वायुमंडल का गर्म होना है, इसका क्या कारण है? ग्रीन हाउस पृथ्वी के वायुमंडल का गर्म होना है, इसका क्या कारण है? इसका कारण क्या है? इसका कारण है अवरक्त किरणें। इसका क्या कारण है? इसका कारण है अवरक्त किरणें। सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 है, दहली आवृत्ति कैसी आवृत्ति है? दहली आवृत्ति कैसी आवृत्ति है? तो कैसी आवृत्ति है ये? जिसके नीचे प्रकाश विद्युत उत्सर्जन संभव नहीं होता, जिसके नीचे प्रकाश विद्युत उत्सर्जन संभव नहीं होता, वो क्या होती है? दहली आवृत्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, मानव शरीर में विकिरण यानी कि एक्स किरणों या वाई किरणों आदि के कारण हुई अक्षति को किस में मापा जाता है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन का फटाफट से आंसर करें।
मानव शरीर में विकिरणों के कारण हुई अक्षति को किसमें मापा जाता है? तो किसमें मापते हैं? ये मापते हैं किसमें? वेरी गुड, रेम में। किसमें मापते हैं? रेम में मापते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका इसके बाद है 12वां। भारत द्वारा पहला भूमिगत नाभिकीय परीक्षण किस वर्ष किया गया? तो कब किया गया था? यह किया गया था 1974 में। कहां पर? पोखरण में किया गया था। कहां पर किया गया था? पोखरण में। क्वेश्चन नंबर 13 है, सूर्य के प्रकाश का कौन सा भाग सौर कुकर को गर्म करता है? सूर्य के प्रकाश का कौन सा भाग सौर कुकर को गर्म करता है? तो कौन करता है? यह करता है आपका अवरक्त किरणें। कौन करता है? अवरक्त किरणें। तो आंसर क्या होगा इसका? 3 नंबर। सूर्य में ऊर्जा किस प्रक्रिया से पैदा होती है? सूर्य में ऊर्जा किस प्रक्रिया से पैदा होती है? तो सूर्य में ऊर्जा किससे पैदा होती है? ये होती है हाइड्रोजन का संलयन। संलयन प्रक्रिया से होती है, और संलयन प्रक्रिया में किसका संलयन होता है? ये होता है हाइड्रोजन का। क्वेश्चन नंबर 15 है, नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में यह अंतर है कि? नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में यह अंतर है कि? तो क्या अंतर है? नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में आपको अंतर बताना है। तो अंतर क्या है इनमें? नाभिकीय रिएक्टर में कोई श्रृंखला अभिक्रिया नहीं होती, जबकि परमाणु बम में श्रृंखला अभिक्रिया चलती है। क्वेश्चन नंबर उसके बाद आपके पास 16 है, अल्फा कण के दो धन आवेश होते हैं। अल्फा कण के दो धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग कितना होता है? तो द्रव्यमान कितना होता है इसका? इसका द्रव्यमान हीलियम के एक परमाणु के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? हीलियम के एक परमाणु के बराबर होता है। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और व्हाट्सएप ग्रुप पर भी इसका आपको लिंक पीडीएफ मिल जाएगा। वहां से आप इसको डाउनलोड कर लेना और इसको एक बार रिवाइज कर लेना सेट को। क्वेश्चन नंबर 17 आपके पास, अब न्यून तापमानों का अनुप्रयोग होता है। न्यून तापमानों का प्रयोग होता है, तो न्यून तापमानों का प्रयोग कहाँ होता है? ये होता है आपका अंतरिक्ष यात्रा में, शल्यक्रम में, और चुंबकीय प्रोत्थापन में। आंसर क्या है? फर्स्ट इज द राइट आंसर। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो तो इंग्लिश मीडियम के में साइंस को पढ़ना इजी होता है, हिंदी मीडियम में थोड़ा सा कंप्यूटर और साइंस डिफिकल्ट रहते हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा, अगर आप इंग्लिश मीडियम में कंफर्टेबल फील करते हो तो कंप्यूटर और साइंस को आप इंग्लिश में ही तैयार करें। क्वेश्चन नंबर 18 है, परमाणु बम का कार्यकारी सिद्धांत यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन है, और हाइड्रोजन बम का कार्यकारी सिद्धांत है। परमाणु बम का कार्यकारी सिद्धांत यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन है, और हाइड्रोजन बम का कार्यकारी सिद्धांत है। तो ये क्या है? ये है आपका ड्यूटेरियम का नाभिकीय संलयन, ड्यूटेरियम का नाभिकीय संलयन। 19 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा है, परमाणु की नाभिक में होते हैं, परमाणु की नाभिक में होते हैं। तो परमाणु के नाभिक में प्रोटोन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन क्या करता है? इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। आंसर क्या मिलेगा आपको? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जबकि इलेक्ट्रॉन क्या करता है? वो चारों तरफ चक्कर लगाता है, और उसके ऊपर नेगेटिव आवेश होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, अति चालकता किस तापमान पर अत्यधिक आर्थिक महत्व की हो सकती है, जिसमें लाखों रुपए की बचत हो? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अति चालकता की अवस्था में धातुओं का तापमान 0 डिग्री केल्विन, 0 डिग्री केल्विन क्या होता है? ये होता है आपका -273 डिग्री सेल्सियस। इनके आंसर क्या हुआ आपका? 3, सामान्य तापमान पर। कौन से तापमान पर? सामान्य तापमान पर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है, तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो ये मैच करना है आपको, किन में से कौन सा उत्तर सही है, तो आप फटाफट चेक करें। तो इसमें देखो ध्यान से, आपको क्या बताना है? दिए गए कूट से उत्तर का चयन कीजिए, यानी कि फर्स्ट
तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते किससे? नाभिकीय सृजन से। ये बात सही है। तो एक तो आपका यहाँ तो दिया नहीं है। फिर आपका आगे बोला हुआ है गुरुत्वीय संकुचन से, बिल्कुल गलत है। सॉरी, द्वितीय गुरुत्वीय संकुचन से बिल्कुल सही है। गुरुत्वीय संकुचन से ये ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो दो ऑप्शन कहां पर है, ये रहा एक और ये रहा दो। और उसके बाद आपका दिया हुआ रासायनिक अभिक्रिया से, ये गलत है। नाभिकीय विखंडन से, ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो आंसर क्या बना इसका? आंसर बना इसका फर्स्ट एंड सेकंड इज द राइट। गुरुत्वीय संकुचन से कैसे मिलता है? जैसे पृथ्वी रहती है, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी अभी आपको ये ग्रह उपग्रह आपके लेटेस्ट में करंट में चल रहे हैं, तो इनसे आपको काफ़ी क्वेश्चन देखने के लिए एग्जाम में मिल सकते हैं। सोलर सेल में प्राय सिलिकॉन नामक अर्धचालक पदार्थ का प्रयोग होता है, आपको ये भी पूछ सकता है। और ये किसे काम करते हैं? ये काम करते हैं आपके किसे? सौर सेल से, सौर सेलों से। और ये सौर सेल किसकी बनी होती हैं? ये बनी होती है आपकी सिलिकॉन की। ये भी पूछता रहता है सिलिकॉन की। इसके बाद क्वेश्चन है, लेजर बीम का उपयोग होता है तो किस में होता है? आपके पास ऑप्शन है, फटाफट आंसर कीजिए। आंखों की चिकित्सा में। किस में? आंखों की चिकित्सा में। 23 का आंसर क्या है? सी। और इसका प्रयोग हम स्टोन कैंसर, किडनी स्टोन जो होता है आपका, जिसको पथरी बोलते हैं, उसमें भी, और कैंसर में भी इसका प्रयोग करते हैं। और जो ब्रेन ट्यूमर होता है वहाँ भी इसका हम प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, इन धातुओं पर विचार करना आपको, और फिर बताना क्या है, कौन से नाभिकीय शस्त्र बनाने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं? तो आंसर क्या है इसका? पहले आप देखो, यूरेनियम का तो हम प्रयोग करते ही करते हैं, तो यूरेनियम का तो हम प्रयोग करते ही करते हैं। उसके बाद आप चेक करो, उसके बाद दिया हुआ रेडियम, रेडियम का प्रयोग नहीं लाया जाता, जबकि प्लूटोनियम को हम प्रयोग करते हैं। तो आंसर क्या हो गया यहाँ पे? 4 इज द राइट आंसर। 25 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कण बच जाता है जब हाइड्रोजन परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन खो देता है? जब किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मौजूद रहते हैं, अगर दोनों में कोई एक त्याग कर देता है और एक बच जाता है, तो हाइड्रोजन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन खोता है और क्या बचता है? प्रोटॉन बचता है। क्या बचता है? प्रोटॉन बचता है। आंसर क्या हुआ? आंसर हुआ इसका 3 नंबर, एक प्रोटॉन बचेगा। इंपॉर्टेंट है। 26 क्वेश्चन देखेंगे अब, परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ होता है? परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ होता है? नाभिकीय विखंडन में, प्रचालन में होता है। किसमें होता है? नाभिकीय विखंडन के प्रचालन में होता है। तो इसका सेकंड इज द राइट ऑप्शन। ट्रांजिस्टर के संचरण में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो ट्रांजिस्टर में किसका? ट्रांजिस्टर एक खुद अर्धचालक युक्ति है, जिसमें क्या करते हैं हम? सिलिकॉन का सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं। आंसर क्या मिलेगा? सिलिकॉन। भारत में स्थापित पहला परमाणु संयंत्र कौन सा है? भारत में स्थापित पहला परमाणु संयंत्र कौन सा है? स्टैटिक जीके का क्वेश्चन भी ये हो सकता है। तो आंसर क्या है इसका? तारापुर, तारापुर महाराष्ट्र। और इसकी अक्षमता कितनी है? 160 है। ये तो आपसे पूछता नहीं है। किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कभी भी धनात्मक नहीं हो सकती, कभी भी धनात्मक नहीं हो सकती। चालन बैंड इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता छिद्रों से अधिक होती है, क्यों? चालन बैंड इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता छिद्रों से अधिक होती है, क्यों? क्योंकि उनकी टक्कर कम बार होती है, क्योंकि उनकी टक्कर कम बार होती है। आंसर क्या है इसका? 2। क्वेश्चन नंबर 31 है, एक रॉकेट और जेट इंजन भिन्न होते हैं क्योंकि, एक रॉकेट और जेट इंजन भिन्न होते हैं क्योंकि उनके कार्य सिद्धांत बिल्कुल ही अलग होते हैं। उनके कार्य सिद्धांत क्या होते हैं? पूर्णतया अलग होते हैं। फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 32 है,
फोटोन की ऊर्जा के बारे में आपको बताना कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। विद्युत चुंबकीय तरंगें छोटे छोटे कणों से बनी होती हैं जिनको क्या कहते हैं, फोटॉन कहते हैं। फोटॉन क्या होता है? विद्युत चुंबकीय तरंगें छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है जिनको क्या कहते हैं, फोटॉन कहते हैं। और फोटॉन क्या होता है? ऊर्जा का बंडल होता है। फोटॉन क्या होता है? ऊर्जा का बंडल होता है। और इनकी आवृत्ति क्या होती है? अनुक्रमानुपाती होती है। क्या होती है? अनुक्रमानुपाती होती है। तो आंसर क्या हुआ इस 32 का? बी। डायोड से धारा कितनी दिशाओं में बहती है? एक बार आप ऊपर देखो, ये एक बच्चे ने मेरे को कमेंट किया था कि सर ये आरआरबी के क्वेश्चन हैं, एनटीपीसी के क्वेश्चन हैं, ये क्यों पढ़ा रहे हो? तो इसी क्वेश्चन पे अगर ध्यान से देखो, ये मैंने जब स्क्रीन शॉट किया था तो निशान लगा देता इसके ऊपर, तो एक बार मैं आपको दिखाना चाहूँगा, एक सेकंड लूँगा आपकी। तो ये देखो, हरियाणा स्कूल TGT के एग्ज़ाम में पूछा था, और ये पेपर किसने लिया था? HSC ने लिया था, और भी आप इसमें बहुत सारे देख सकते हो। तो ये कॉमन क्वेश्चन होते हैं, स्टैटिक GK में आते हैं ये, यानी कि ये कॉमन क्वेश्चन होते हैं, कहीं भी साइंस पूछेगा, वन डे एग्ज़ाम में अगर साइंस पूछता है तो यही सब पूछता है। अगर आपने 2, 4, 5, 10 पेपर दिए होंगे तो आपको इस बात का अनुभव भी हो चुका होगा, लेकिन जो आपके न्यूमेरिकल पूछता है उसका लेवल थोड़ा सा अलग होता है, और अभी मैं आपको न्यूमेरिकल करा रहा हूँ, तो आप पिछली वीडियो को देख सकते हो, और उस वीडियो के ऊपर कुछ कमेंट आए थे, तो उस वीडियो को मैं एक बार लंबी वीडियो बना करके फिर से शूट करूँगा। और साथियों, हमारा नया चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि 200 के करीब उसमें मेंबर हो चुके हैं, जैसे इसमें 500 मेंबर होंगे उसका लिंक हम ओपन कर देंगे, और उसमें आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, सारे डाउट्स वहाँ पर आपके सोल्व के जाएंगे, मैथ, रीजनिंग, साइंस, GK, जो भी आपके डाउट होंगे, आपके डाउट के भी यहाँ पर वहाँ पर हम रेगुलर वीडियो डालेंगे, एक वीडियो आएगी डेली। और अगर आपको पुराने पेपर डाउनलोड अभी तक नहीं किए हैं तो आप वो भी डाउनलोड कर सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। डायोड से धारा कितनी दिशाओं में बहती है? डायोड से धारा कितनी दिशाओं में बहती है? तो डायोड से धारा कितनी दिशा में बहती है? ये बहती है एक दिशा में। कितनी दिशाओं में? एक दिशा में। डायोड वह प्रयुक्ति है जो धारा को एक दिशा में प्रवाहित होने देती है। क्या करती है? एक दिशा में प्रवाहित होने देती है। तो जब भी आपको देखो, यहाँ होने देती है, होने नहीं देती है, इसका मतलब ऑप्शन तो यहीं कहीं लगा होगा, तो आप थोड़ा दिमाग लगा लिया करो, ऑप्शन को आप जब आप पढ़ो तो सोचा करो कि आखिर ये ऑप्शन क्यों है और इसके पीछे दूसरे ऑप्शन क्यों सेट किए गए हैं, तो आपको खुद ही अनुमान आ जाएगा जब आप 100-200 सेट बनाओगे तो, कि जो क्वेश्चन एग्जाम में आपको नहीं आता उसके ऊपर आप तुक्का कैसे मारोगे। तो एक ही दिशा में प्रवाहित होने देती है, क्या होती है? एक ही दिशा में प्रवाहित होने देती है। फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन। किसी डायोड का फॉरवर्ड प्रतिरोध होता है तो ये क्या होता है? किसी डायोड का फॉरवर्ड प्रतिरोध बहुत कम होता है। क्या होता है? बहुत कम होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किसी ट्रांजिस्टर का उपयोग हो सकता है तो ट्रांजिस्टर का उपयोग किसमें करते हैं? ट्रांजिस्टर का उपयोग, एक बार एक फार्मूला पूछा था बता दूं आपको, तो ये NPN, एक तो ये लिख लो, या फिर आप PNP बोल सकते हो, इसमें इसका हम क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। और कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में, ये भी पूछा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा है स्विच के रूप में, बिल्कुल सही है, प्रवर्धक के रूप में, बिल्कुल सही है। आंसर क्या हुआ इसका? 3। इसके बाद क्वेश्चन आपका 37। जब किसी नाभिक के टूटने से छोटे नाभिक बनते हैं तो विशाल मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित होती है, इस क्रिया को क्या कहते हैं? जब किसी नाभिक के टूटने से छोटे नाभिक बनते हैं तो विशाल मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित होती है, इस क्रिया को क्या कहते हैं? इस क्रिया को कहते हैं क्या? नाभिकीय विखंडन। क्या कहते हैं? नाभिकीय विखंडन। क्वेश्चन नंबर 38 है, नाभिकीय शलन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी क्यों कहते हैं? नाभिकीय शलन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी क्यों कहा जाता है? तो क्यों कहते हैं? नाभिकीय शलन को ताप अभिक्रिया क्यों कहते हैं? क्योंकि शलन के लिए अत्यधिक उच्च तापमान की स्थितियों की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि शलन के लिए क्या होता है? उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। आंसर क्या बनेगा? आंसर बनेगा बी। 39 क्वेश्चन है, राडार का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ये जहाज़ों, वायुयानों आदि को ढूंढने में
हमारी सहायता करता है, तो बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 40 है, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में इनमें से कौन सा विकिरण होता है? किसमें पूछा है? स्पेक्ट्रम में पूछा है, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में। इजी नहीं है क्वेश्चन, थोड़ा सा लेवल का क्वेश्चन है, एग्जाम में इस पे क्वेश्चन बन सकता है, आप थोड़ा सा इस क्वेश्चन के ऊपर होमवर्क कर लेना। तो आंसर क्या बनेगा इसका? आंसर बनेगा इसका 3, और PDF फाइल से आप इस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से चेक कर लेना और अपना होमवर्क इस क्वेश्चन पे कर लेना, ये अच्छा क्वेश्चन है। तो आंसर क्या इसका? 3। सॉरी, फोटोन की ऊर्जा ई, संवेग पी और वेग अगर सी है तो संबंध क्या बनेगा? तो संबंध बनेगा क्या, फोटोन की ऊर्जा क्या होती है, ई से इसको नियुक्त करते हैं, ई से दिखाते हैं, यहाँ पे बोला हुआ है, और संवेग क्या है, पी होता है, और वेग क्या है, ये सी से दिखाया गया है। तो फोटोन का संवेग क्या होगा? फोटोन का जो संवेग होगा वो होगा पी बराबर एम सी। क्या होगा? पी बराबर एम सी, पी बराबर एम सी। और फिर इसको अगर आप बैलेंस करोगे तो एम सी स्क्वायर बटे एम हो जाएगा, एम सी स्क्वायर बटे एम सी हो जाएगा, और फिर ये एम से एम कटेगा, सी से सी कटेगा, तो बचेगा क्या? सी बचेगा। इसलिए हम बोल सकते हैं कि क्या होगा, ई बाई सी होगा, ई बाई सी होगा। 42 क्वेश्चन देखेंगे, ऐसे क्वेश्चन आप पढ़ के जाना, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनने की अब की बार पूरी संभावना है, क्योंकि एग्जामिनर का मूड क्या होगा आप समझ सकते हो। यदि प्रकृति में मुख्य क्वांटम संख्या n से ज़्यादा 4 तत्व नहीं हो सकते तो संभव तत्वों की संख्या कितनी होगी, ये आपको बताना है। तो ये वही आपके एक मतलब न्यूमेरिकल के क्वेश्चन है, तो ये मैं आपको सेपरेट वीडियो में सोल्व करवा दूंगा। तो अभी आप इतना समझ लो कि इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² होती है, क्योंकि KLMN आपको पता ही होगा, KLMN होता है। और अगर आपको नहीं पता है तो आप जा करके आवर सारणी पढ़ लो, वहाँ से क्वेश्चन आपका बनता ही है। तो आंसर क्या बनेगा इसका? आंसर बनेगा इसका 60, अगर आपको आता है तो चेक कर लो। इनमें से कौन सी किरणें आवेश रहित होती हैं? कौन सी किरणें आवेश रहित होती हैं? तो ये कौन सी होती हैं? ये होती है आपकी एक्स किरणें। ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, और मैं सभी बच्चों से गुजारिश करना चाहूँगा कि जो क्वेश्चन बार बार में पूछे जाते हैं, लगभग सभी एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर 10 सेट उठाओ और उसमें से 3 या 4 बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो उस क्वेश्चन को घुमाकर पूछने की काफ़ी संभावना बनती है। तो इसलिए इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए कि इसकी खोज किसने की थी। इसकी खोज की थी रोंटजन ने। किसने? रोंटजन ने, रोंटजन ने, ये आपसे पूछ सकता है। और कब की थी? 1895 में की थी, ये भी आपसे 1895 में की थी, ये भी आपसे पूछ सकता है। और इसका तरंग दैर्ध्य पूछ सकता है, अगर आपको बहुत ज़्यादा एग्जामिनर हार्ड मिलेगा तो आपका इसका एक्स किरणों का तरंग दैर्ध्य पूछ सकता है। तो ये होता है 1 एंगस्ट्रम से 100 एंगस्ट्रम के बीच में होता है, लिख लेना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 44 है, बीटा अक्षय में, तो आप चेक करो कि बीटा अक्षय जब होगा तो क्या यहाँ पे रिजल्ट निकलेगा। तो बीटा अक्षय में क्या होता है? संतति नाभिक में जनक नाभिक से 1 न्यूट्रॉन अधिक है। और ये आपका जो क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन न्यूमेरिकल का ही क्वेश्चन है, तो न्यूमेरिकल के थ्रू इसका आप सॉल्यूशन निकाल सकते हो। फिलहाल तो आप इसको रट लो, एग्जाम में अगर आए तो इसका आप रिजल्ट तैयार करके रखो कि नाभिक में जनक नाभिक से 1 न्यूट्रॉन अधिक होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 है, तो यूरेनियम 236 दिया हुआ, 234 के रूप में इसको आपको चेंज करना, तो कितने निकलेंगे? तो ये निकलेंगे आपके 3 अल्फा कण और 1 बीटा कण। इसके बाद क्वेश्चन है आपका 47, FM का मतलब क्या है? तो FM क्या होता है? ये आप AM और FM सुनते हो रेडियो में, ये वही वाला FM है। तो AM और FM क्या होता है? FM का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, और AM का क्या होता है? एम्पलीट्यूड। तो आप याद रखो, ऐसे क्वेश्चन कंफ्यूज भी करते हैं कई बार, फ्रीक्वेंसी होता है ए से, और फ्रीक्वेंसी होता है एफ से, और ए से होता है आपका एम्पलीट्यूड, यानी कि AM और FM। तो आंसर क्या हुआ इसका? यहाँ पे आंसर बना इसका 2, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। कॉस्मिक किरणें क्या होती हैं? कॉस्मिक किरणें क्या होती हैं? कॉस्मिक किरणें आवेशित तथा अनावेशित दोनों हो सकती हैं। कॉस्मिक किरणें क्या होती हैं?
कॉस्मिक किरणें आवेशित और अनावेशित दोनों हो सकती हैं। क्या होती हैं कॉस्मिक किरणें? ये आवेशित और अनावेशित दोनों हो सकती हैं। क्रायोजेनिक इंजनों का अनुप्रयोग कहाँ किया जाता है? क्रायोजेनिक इंजनों का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो कहाँ किया जाता है? ये होता है रॉकेट टेक्नोलॉजी में। किसमें? रॉकेट टेक्नोलॉजी में। और ये आपसे पूछ सकता है क्योंकि अभी हम काफ़ी सारा काम कर रहे हैं उपग्रह के ऊपर। आवेशित कण त्वरक, जो आवेशित कणों को उच्च ऊर्जा से त्वरित कर सकता है को क्या कहते हैं? अच्छा क्वेश्चन है, इसको कहते हैं साइक्लोटॉन। साइक्लोटॉन क्या कहते हैं? साइक्लोटॉन। तो आंसर क्या होगा इसका? आंसर हो गया 4। 51 क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज स्टोर करने के लिए हमारे टीवी सेट, कंप्यूटर, रेडियो सेट में कौन से उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? क्या करने के लिए? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज स्टोर करने के लिए, यानी कि बैटरी को स्टोर जब हम करते हैं तो क्या हमको चाहिए होता है? तो एक कैपेसिटर, एक या एक से अधिक कंडक्टर युग्मों से निर्मित होता है जो इंसुलेटर से अलग होते हैं। तो आंसर क्या मिलेगा इसका? आपका बनेगा फर्स्ट कैपेसिटर। फर्स्ट आंसर क्या है? कैपेसिटर। 52 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा टीवी प्रदर्शन प्रौद्योगिकी का सही कालानुक्रम है? तो टीवी का आपको कालानुक्रम बताना है। तो ये पहला कैथोड रे ट्यूब, दूसरा फिर आपका प्लाज्मा डिस्प्ले, और फिर 1964 में आया था आपका। तो इसमें जो आपका रेंज बनेगा वो आपका बनेगा फर्स्ट नंबर। इंपॉर्टेंट है, इसको आप रट लेना क्योंकि आपको पूरी डिटेल इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन अच्छा है, आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ये क्वेश्चन है और आजकल साइंस और टेक्नोलॉजी से मॉडर्न फिजिक्स में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसके बाद क्वेश्चन 53 है, किन कणों में कणीय तरंग की द्वि प्रकृति पाई जाती है? किन कणों में कणीय तरंग की द्वि प्रकृति पाई जाती है? तो किसमें पाई जाती है? ये होती है इलेक्ट्रॉन में। किसमें? इलेक्ट्रॉन में। आइंस्टीन ने 1905 में प्रकाश की अवधारणा प्रस्तुत की थी जिसके अनुसार प्रकाश की द्वैध प्रकृति कण और तरंग के बारे में बताया गया था। फोटो इलेक्ट्रॉनिक सेल क्या करता है? फोटो इलेक्ट्रिक सेल क्या करता है? प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। क्या करता है? प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसी सेट में क्वेश्चन 2 बार आ चुका है। कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो आंसर इसका ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंग क्या नहीं है? विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं, पूछा आपसे, नहीं है। 56 क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन पढ़ेंगे। करीब करीब 150 क्वेश्चन हैं, तो आप बने रहिए हमारे साथ और अपनी तैयारी को धार देते रहिए। कौन एक अर्धचालक है? तो सिलिकॉन एक अर्धचालक है। तो यहाँ नीचे इसके उत्तर दिए हुए हैं, आप PDF को डाउनलोड कर लेना आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर, और ये आपके टेलीग्राम चैनल पर आपको इसका जो फॉर्मेट है वो मिलेगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके एक बार रिवीजन कर लेना। पहला प्रश्न है, मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? यह था पृथक निर्वाचन प्रणाली, इज द राइट ऑप्शन। B.R. अंबेडकर को महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था। पूना समझौते के बारे में पूछा गया आपसे, किस किस के बीच में हुआ था ये भी आपसे पूछ जाता है। तो B.R. अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में ये समझौता हुआ था 1932 में। क्या नाम से जानते हैं इसको? पूना समझौते के नाम से जाना जाता है। तो आंसर क्या है इसका? आंसर है इसका D, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का ये मांग की गई थी पूना समझौते के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? तो यह किया गया था 1909 में। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, मिलान करना आपको, तो मिलान वाला क्वेश्चन आप बड़े ध्यान से करना क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आप चेक करो, सूरत विभाजन दिया हुआ है, सांप्रदायिक अधिनिर्णय दिया हुआ है, सर्वदलीय सम्मेलन दिया हुआ है, और पूर्ण स्वराज्य का संकल्प भी दिया हुआ है। तो आंसर क्या बनेगा इसका? आंसर बनेगा इसका B, इज द राइट ऑप्शन।
आंसर क्या मिलेगा? आंसर मिलेगा इसका बी इज द राइट ऑप्शन। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? तो ये आपके सामने ऑप्शन है और आप फटाफट क्वेश्चन को लगा लीजिए। तो आंसर क्या है इसका? आंसर है इसका 1909 में मार्लेमेंट्री सुधार आए थे, उसी में ये धारणा लाई गई थी। इनमें से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई कब? ये की गई भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। किसके द्वारा? 1861 के द्वारा। सातवां क्वेश्चन है 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो की गई थी किसकी? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की। किसकी? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की। क्वेश्चन नंबर 8 है, सूची का मिलान करना आपको, अगस्त प्रस्ताव, अगस्त घोषणा, अगस्त संकल्प और प्रत्यक्ष कार्रवाई, ये आपको मैच करना है। तो अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको मैच कर लीजिए। तो एक आंसर क्या होगा? अगस्त घोषणा किसने की थी? अगस्त घोषणा की थी आपकी लॉर्ड मॉन्टेगु ने। तो फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन अपने आप ही हो गया। तो 8 नंबर क्वेश्चन आंसर क्या है? ए। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, मॉन्टेगु चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था, यानी कि इसमें मॉन्टेगु चेम्सफोर्ड जो आपका एक्ट था, इसमें क्या बात कही गई थी, क्या था ये मामला, ये आपसे पूछा हुआ है। तो इसमें प्रांतों में दोहरा शासन लागू किया गया था। क्या किया गया था? प्रांतों में दोहरा शासन लागू किया गया था। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन एक आध जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वहीं पर मैं आपको बोल देता हूँ। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था कब? 1773 में। किसने? 1773 में। 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था, कौन इसका सदस्य नहीं था? तो नहीं वाले क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से करना, इसका आंसर क्या मिलेगा आपको? लॉरेंस थे, अलेक्जेंडर थे और क्रिप्स थे, इसी को क्रिप्स मिशन बोलते थे। तो डी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन है आपका, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? तो क्या बताना? सही नहीं है। क्या है? सही नहीं है। प्रांतीय समूहीकरण, ये तो बिल्कुल सही है। भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, ये भी सही है। पाकिस्तान की स्वीकृति, बिल्कुल गलत है। तो आंसर क्या हुआ इसका? सी इज द राइट ऑप्शन। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया था? तो पॉलिटिकल साइंस का बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो किसके द्वारा? 1935 के भारत सरकार के अधिनियम के द्वारा। किसके द्वारा? 1935 के भारत सरकार के अधिनियम के द्वारा। 14 क्वेश्चन है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? अपनी ही समिति के निर्णय को क्या करना था? अस्वीकार करना था। और ये पावर कब मिली? ये पावर मिली आपकी 1786 का एक्ट रहा था, कौन सा? अमेंडमेंट एक्ट 1786 में। कब? 1786 के अमेंडमेंट एक्ट में। तो काफ़ी आपको क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ पर जो आपने शायद पहले नहीं देखे होंगे। अच्छे क्वेश्चन हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी गई? 1947 में सार्वभौम सत्ता भारतीयों को सौंपने की जो प्रक्रिया थी उसको क्या नाम दिया गया, ये आपसे एग्जामिनर पूछ रहा है, तो आप बता दीजिए। माउंटबेटन योजना। क्या? माउंटबेटन योजना। आंसर क्या इसका? सी माउंटबेटन योजना। क्वेश्चन नंबर 16 है, महारानी विक्टोरिया को भारत के साम्राज्ञी नियुक्त किया गया था कब? तो इसका जो आंसर है वो क्या था? 1858 में। क्यों 1858? क्योंकि 1857 में क्रांति थी, तो उसके बाद भारत का नियंत्रण डायरेक्ट इंग्लैंड के हाथों में चला गया था। कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? तो मार्लेमेंट और सुधार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व रखते थे, बिल्कुल सही है। भारत सरकार का अधिनियम 1935 स्वशासन से संबंध था, बिल्कुल सही है। कैबिनेट मिशन में संविधान सभा गठन किया गया था, बिल्कुल सही है। साइमन कमीशन भारतीय विभाजन गलत है। आंसर क्या हुआ इसका? डी। साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया था, इन आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, एक बार आप ऑप्शन पे जाइए और एक बार ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है।
महारानी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणाओं में भारतीयों को बहुत सारे वादे किए थे और उनमें से कौन सा वादा पूरा किया गया था? तो क्या कहता कौन सा? बी, देशी रजवाड़ों की स्थिति को जैसे के तैसे बनाए रखा जाएगा। आंसर क्या है? आंसर है इसका बी। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? क्या क्वेश्चन है? केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? तो क्या कहता किसमें? भारत सरकार के अधिनियम 1935 में। किसमें? 1935 में। तो ये मिलान करना आपको, तो ये आप देख लीजिए यहाँ पे साइड में, ये मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, तो वहाँ पर आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का ये यहाँ पे तालमेल लगाया गया है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन आधा आगे है आधा पीछे है, तो मैं आपको बता देता हूँ, आप नोट कर लेना और इसको अच्छे से देख लेना। तो आंसर इसका क्या है? आंसर इसका है बी। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार द्वारा कब किया गया? संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम, मतलब किस अधिनियम में किया गया, ये आपसे पूछ रहा है कि जो संघीय प्रणाली थी उसका प्रयास किस एक्ट में सबसे पहले किया गया, ये आपसे पूछा गया है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो 21 का आंसर बनेगा आपका क्या? 1935 का भारत सरकार का अधिनियम। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था? क्या क्वेश्चन है? अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था, तो ये क्या था किसमें? यह क्या था? भारत सरकार के अधिनियम 1935 में। किसमें? भारत सरकार के अधिनियम 1935 में। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया? भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया? तो ये क्या कहता किसके द्वारा? भारत सरकार के अधिनियम 1858 के द्वारा। किसके द्वारा? भारत सरकार के अधिनियम 1858 के द्वारा। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो ये किसकी थी? 1935 के भारत सरकार के अधिनियम की। आंसर क्या है? फर्स्ट। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो ये क्या आधार था? कैबिनेट मिशन योजना 1946। क्या आधार था? कैबिनेट मिशन योजना 1946। 26 क्वेश्चन है, 1922 ईस्वी में इनमें से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा? भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा, यह बात किसने कही थी? यह कही थी महात्मा गांधी ने। भारत की संविधान सभा के अनुसार, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? भारत की संविधान सभा किसके द्वारा गठित की गई? तो गठित की गई किसके द्वारा? कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा। किसके द्वारा? कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा। रिविजन करते रहो, अब आप काफ़ी मेहनत कर रहे हो, अब की बार आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, ऐसे भी भगवान से दुआ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? तो किसने ये की थी? मोतीलाल नेहरू ने। किसने? सी इज द राइट ऑप्शन। किसने की थी मांग? मोतीलाल नेहरू ने। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई थी? तो कौन से अधिवेशन में ये मांग रखी गई थी? ये रखी गई थी आपकी कौन से में? फैजपुर अधिवेशन में। इम्पोर्टेंट है ये, सुपर इम्पोर्टेंट है, बच्चे इसमें तुक्का मार देते हैं। लाहौर का, लाहौर नहीं होता, क्या होता है? फैजपुर होता है। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? संविधान सभा के क्वेश्चन पूछ रहा है, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? यह किया गया था एम एन राय के द्वारा। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कितने सदस्य होने थे? कैबिनेट मिशन योजना के संविधान सभा में 389 सदस्य होने चाहिए थे। कितने? 389 सदस्य होने चाहिए थे। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? तो किसने किया था? यह किया था जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। 33 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है,
प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना सुनिश्चित हुआ था? अच्छा क्वेश्चन है, आंसर क्या इसका, एक बार आप कमेंट करें इसका आंसर। ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि बिल्कुल सही है, देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि बिल्कुल सही है, और मुख्य कश्मीरी क्षेत्र के 4 बिल्कुल सही। आंसर क्या इसका, डी इज द राइट ऑप्शन। कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? तो ये कहता किसमें, यह किया था आपका 1936 में। किसमें, 1936 में। उसके बाद 35 नंबर का क्वेश्चन है, संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन हुआ था, इसमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? तो कितने आए थे, ये आए थे 208। कितने आए थे, 208 आए थे। कितने आए थे, 208। 1938 में किस व्यक्ति ने वैश्य मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? 1938 में किस व्यक्ति ने वैश्य मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? तो किसने की थी, ये की थी आपकी जवाहरलाल नेहरू ने। किसने की थी, जवाहरलाल नेहरू ने। पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? अच्छा क्वेश्चन है, पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? तो आंसर क्या है, 299। आंसर क्या है, 299। बी इज द राइट ऑप्शन। वर्ष 1942 में किस योजना के अंतर्गत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्ध के उपरांत संविधान सभा का निर्माण करेंगी? तो आंसर है, ये किसमें की थी, क्रिप्स मिशन योजना में। तो कौन सी योजना थी, ये थी क्रिप्स योजना। अच्छा क्वेश्चन है, वर्ष 1942 में किस योजना के अंतर्गत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा? किसका प्रोग्राम था ये था क्रिप्स योजना का। संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने थे, ये थे आपके 70। कितने थे, 70। कितने थे, 70। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 है, संविधान सभा के गठन की मांग सबसे पहले 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? संविधान सभा के गठन की मांग सबसे पहले 1895 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा प्रस्तुत की गई। आंसर क्या है, डी। पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के कितने प्रतिनिधि थे? पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो ये कितने थे, ये थे आपके 229। कितने थे, 229। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अस्थायी कौन थे, ये थे आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो यह था 10 लाख के ऊपर एक। 10 लाख की पॉपुलेशन के ऊपर कितने आदमी, एक आदमी। 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी सदस्य, सॉरी 11 दिसंबर 1946 को किसने, सॉरी किसको संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो स्थायी किसको नियुक्त किया गया था, यह क्या था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो ये सबको पता है क्वेश्चन, तो ऐसे क्वेश्चनों की आप डेट रट लिया करो, बस क्वेश्चनों का पढ़ना सीखो, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना, बस यही बात होती है। लोग टॉप करते हैं तो उनका कोई ये नहीं होता कि भाई उनकी खोपड़ी में चार दिमाग लगे होंगे, तो खोपड़ी सबकी सेम होती है, बस पढ़ने का तरीका सबका अपना अपना अलग होता है। संविधान सभा के सदस्यों को इनमें से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? तो किसने किया था, प्रांतों की विधानसभा ने। किसने, प्रांतों की विधानसभा ने। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसको नियुक्त किया गया? संविधान की जो सभा थी उसका संवैधानिक सलाहकार किसको नियुक्त किया गया, यह किया गया था बीएन राव को। किसको, बीएन राव को। 47 क्वेश्चन है, इसके बाद संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो किसका था सबसे अधिक, यह था संयुक्त प्रांत का। किसका, संयुक्त प्रांत का।
संविधान सभा के चुने हुए 27 अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के चुने हुए 27 अध्यक्ष कौन थे? तो ये बार बार आ चुका है, ये थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? क्या नहीं किया था? भाग नहीं लिया था। तो किसने नहीं लिया था? ये लिया था आपका हैदराबाद ने। किसने? हैदराबाद ने। इनमें से कौन विधानसभा का इनमें से कौन संविधानसभा का सदस्य नहीं था? इनमें से कौन संविधानसभा का सदस्य नहीं था? के मुंशी था, गोपाल स्वामी आयंगर था, एच बेग बिल्कुल गलत, और टी कृष्ण माचारी था। आंसर क्या हुआ इसका? सी, क्योंकि क्या पूछा? अध्यक्ष सदस्य नहीं था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, तो कहाँ से ये हमारे जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, इनको कहाँ से चुना गया था संविधान सभा के लिए? तो अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ये पश्चिम बंगाल से चुनकर आए थे। कहाँ से? पश्चिम बंगाल से चुनकर आए थे। और इनका जन्म कहाँ था, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियाँ नियुक्त की थी? तो की थी कितनी? ये की थी आपकी 13। कितनी? 13 समिति नियुक्त की थी। मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? अच्छा क्वेश्चन है। मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान चाहता था, लेकिन वो मिल नहीं रहा था, इसलिए क्या किया था उसने? बहिष्कार कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे। संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई? ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई? तो ये की गई थी 1947 के 29 अगस्त को। कब की गई थी? 29 अगस्त 1947 को। कब की गई थी? 29 अगस्त 1947 को। संविधान सभा का चुनाव इनमें से किस आधार पर हुआ? संविधान सभा का चुनाव इनमें से किस आधार पर हुआ? तो ये हुआ था वर्गीय मताधिकार के आधार पर। किसके आधार पर? वर्गीय मताधिकार के आधार पर। किसके आधार पर? वर्गीय मताधिकार के आधार पर। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे, तो जनता के द्वारा निर्वाचित होते थे। 57 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है आपका? तो आप अभी चेंज हो चुका सिस्टम, पहले ये गलत था, लेकिन ये पहले क्या था? जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते थे। तो आप कभी भी प्रत्यक्ष मत करना, गलत हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देख लो, प्रत्यक्ष नहीं बोलना, अप्रत्यक्ष बोलना है। 58 क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो किस में पूछा है? प्रारूप में पूछा है। तो प्रारूप में कितने थे? 7 थे। प्रारूप समिति में कितने थे? ये थे आपके 7। 59 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा, तो एक बार आप ऑप्शन चेक कीजिए, अच्छा क्वेश्चन है ये। संविधान निर्मात्री सभा प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। तो पिछले क्वेश्चन में भी आता, ये आपका डायरेक्ट इलेक्शन नहीं था, ये क्या था? परोक्ष रूप से इलेक्शन हुआ था। किसके रूप में? परोक्ष रूप से इलेक्शन हुआ था। कौन संविधान सभा द्वारा गठित समिति का सदस्य नहीं था? तो ये आपके सरदार पटेल इसमें बिल्कुल भी शामिल नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे। 61 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को किसने बनाया? भारतीय संविधान को किसने बनाया? तो ये बनाया था किसने? संविधान सभा ने। किसने बनाया था? संविधान सभा ने। इनमें से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? इनमें से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? तो ये कौन ही था? ये थे आपके जवाहरलाल नेहरू। आंसर क्या है? 62 का आंसर क्या है? 1st। क्वेश्चन नंबर 63 है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? तो ये हुए थे आपके 1946 में। कब हुए थे? 1946 में। 64वां क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। तो संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो रखा था किसने? डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई?
तो ये कब हुई थी? ये हुई थी 9 दिसंबर 1940 को। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1940 को। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1940 को। 65 क्वेश्चन आंसर क्या बन गया आपका? बी। 66वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? तो ये लिए गए किसके आधार पर? सहमति और समायोजना के आधार पर। किसके आधार पर? सहमति और समायोजना के आधार पर। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? ये हुआ था आपका दिल्ली में। कहाँ पर हुआ था? दिल्ली में हुआ था। पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? दिल्ली में। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? ये प्रस्तुत किया था जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? अच्छा क्वेश्चन है। उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो ये आपके सामने ऑप्शन है और उत्तर आपका क्या बनेगा? ये आपका बनेगा बी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 17वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो क्या पूछा है? संघीय शक्ति पूछा है। कौन सा पूछा है? संघीय शक्ति के अध्यक्ष पूछे हैं आपको। तो आंसर क्या मिलेगा आपको? आंसर मिलेगा आपको डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ? संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ? तो ये हुआ था आपका 9 दिसंबर 1940 को। कब हुआ था? 9 दिसंबर 1940 को। 72 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को अपनाया गया? भारतीय संविधान को अपनाया गया किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा। किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? क्या पूछा है? अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी कौन थे? ये थे आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इन कथनों में से एक कथन सही है, तो ये आपको दिए हुए क्वेश्चन, तो आप लगाओ इनमें से कौन सा एक सही है। तो सही है बताना है। क्या बताना है? सही है बताना है। तो वर्ष 1940 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी, बिल्कुल सही है। तो 74 का आंसर क्या हुआ? फर्स्ट। 75 क्वेश्चन है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, तो कब पारित किया गया था? ये क्या था? 22 जनवरी 1947 को। कब किया गया था? 22 जनवरी 1947 को। इसके बाद क्वेश्चन देखेंगे 76। संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? तो अब देख लो, ऑप्शन आपके सामने हैं। इसमें बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया गया, उसमें प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी, बिल्कुल सही। अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को संविधान सभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया, बिल्कुल सही। इसका निर्वाचन सार्वभौमिक, ये बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि अप्रत्यक्ष रूप से किया गया था चुनाव, परोक्ष रूप से किया गया था, तो ये क्या हो गया हमारा? गलत हो गया। चुना क्या था? गलत ही चुना था। आंसर क्या होगा इसका? सी। संविधान निर्मात्र सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? अच्छा क्वेश्चन है, ये थे जेबी कृपलानी। कौन थे? जेबी कृपलानी। संविधान सभा के पहले दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। तो संविधान सभा के पहले दिन की अध्यक्षता किसने की थी? ये की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था, तो कब किया गया था? ये किया गया था जुलाई 1947 में। कब? जुलाई 1947 में। भारत के संविधान का निर्माता किसको कहा जाता है? भारत के संविधान का निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। 81 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया था। अंगीकार का मतलब स्वीकार किया था, तो कब किया था? यह किया था 22 जुलाई 1947 को। कब किया था? 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? क्या पूछा है? पारित किया, तो कब पारित किया? 26 नवंबर 1949 को। पारित बोला है, क्या पूछा आपसे? पारित पूछा है, तो कब आएगा उत्तर? उत्तर आएगा आपका सी, सी इज द राइट आंसर। संविधान पांडुलेख समिति का इनमें से कौन सदस्य नहीं था? संविधान पांडुलेख समिति का इनमें से कौन सा सदस्य नहीं था?
तो साधुला थे, मुंशी थे, अय्यर थे, नेहरू नहीं थे। द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद कब ब्रिटेन में एक नई सरकार बनी जिसमें भारत संबंधी अपनी नई नीति की घोषणा की तथा एक संविधान निर्माण करने वाली समिति बनाने का निर्णय लिया? तो ये कब हुआ था? ये हुआ था जुलाई 1945 में। भारत का संविधान कब लागू हुआ? 1950 में। किस दिन? 26 जनवरी को। सबको आता है। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? ये है अच्छा क्वेश्चन। तो 86 का आंसर आप करो, फटाफट करो, फटाफट करो। 86 का आंसर क्या मिलेगा? ये मिलेगा आपको बी, 284। कितने? 284। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने के लिए निर्णय लिया गया क्योंकि इस दिन क्या हुआ था? क्योंकि इस तिथि को कांग्रेस ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया था। कब? 1930 में। ये अपने आप में एक क्वेश्चन है, यहाँ से दो क्वेश्चन जनरेट होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 88 है। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो किस में पूछा है? अंतिम रूप से पारित संविधान में पूछा है, यानी कि संविधान बनकर जब तैयार हुआ, 26 जनवरी को लागू हुआ, तब कितने थे? तो अच्छा क्वेश्चन है ये। 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। आंसर क्या है इसका? 88 का सी। उसके बाद 89 क्वेश्चन है। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो यह लगा 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। कितने दिन? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। क्वेश्चन नंबर 90 है। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार इनमें से किसने सबसे पहले प्रस्तुत किया था? तो 90 का जो आपका आंसर है वो क्या था? स्वराज पार्टी ने 1924 में। ए इज द राइट ऑप्शन। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। सी इज द राइट ऑप्शन। 92 क्वेश्चन। इस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में अब आविर्भाव हुआ। क्या हुआ? आविर्भाव हुआ। तो आंसर क्या हुआ? 26 जनवरी 1950। थोड़ा सा घुमाया हुआ है लैंग्वेज को। भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए, हम भारत के लोग। और उसके बाद क्वेश्चन है आपका 94। संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया? तो किस पर ध्यान दिया? ये दिया था प्रस्तावना पर। किस पर? प्रस्तावना पर। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा कहा गया है? तो ये कहा गया किसको? प्रस्तावना को। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर का अर्थ क्या है? तो सेकुलर का अर्थ क्या होता है? सेकुलर का अर्थ होता है सभी नागरिकों को धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। सभी नागरिकों को धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का मतलब होता है सेकुलर। भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। मतलब जिसका जो हमारा जो राष्ट्रपति होता है उसका चुनाव क्या होता है? एक फिक्स टाइम के लिए होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? गणतंत्र कहते हैं। शब्द धर्म निरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था, इसके बारे में कौन सा कथन सही है? तो अच्छा क्वेश्चन है। तो ये आपके देख लीजिए आप, 1976 में ये किया गया था, बिल्कुल सही है। 44वें संशोधन में बिल्कुल गलत है। 42वें संशोधन में बिल्कुल सही है। मूल प्रस्तावना बिल्कुल गलत है। आंसर क्या होगा? 1 और 3। कहाँ लिखा हुआ है? बी ऑप्शन। तो बी इज द राइट ऑप्शन। इसके बाद 99 क्वेश्चन देखेंगे। भारत एक है, तो भारत क्या है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत क्या है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना इनमें से हम भारत के लोग, इससे क्या अर्थ निकलता है? इससे अर्थ निकलता है कि संविधान का निर्माण भारत की जनता के द्वारा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि भारत का निर्माण किसके द्वारा हुआ है? भारत की जनता द्वारा हुआ है। किसके द्वारा हुआ है? भारत की जनता के द्वारा हुआ है। आंसर क्या होगा? बी। धर्म निरपेक्ष का अर्थ क्या है? धर्म निरपेक्ष का अर्थ क्या है? धर्म निरपेक्ष का अर्थ है सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना। क्या आंसर है? सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना। समाजवाद का अर्थ क्या है? समाजवाद का अर्थ क्या है? समाजवाद का अर्थ है सामाजिक न्याय। समाजवाद का अर्थ क्या है? ये आपका सामाजिक न्याय।
भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब क्या है कि भारतीय राज्य किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता। भारतीय राज्य किसी धर्म का समर्थन नहीं करता, यानी कि भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, यहाँ सभी धर्मों को बराबर बराबर मान्यता दी गई है। गणतंत्र होता है, गणतंत्र होता है, गणतंत्र क्या होता है, राज्य वह राज्य जहाँ अध्यक्ष क्या हो, वंशागत रूप से न हो, यानी कि जो आपका राष्ट्रपति होता है वो क्या हो, जनता के द्वारा, सॉरी वंशागत नहीं होना चाहिए, वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जनता के द्वारा ही चुना होना चाहिए, वो वंशागत नहीं होना चाहिए। जैसे राजाओं के समय क्या होता था कि भाई पुत्र होता था, फिर उसका पुत्र होता था, फिर उसका पुत्र होता था। भारतीय संविधान में समवर्ति सूची किसके संविधान से ली गई है, तो समवर्ति सूची कहाँ से ली गई है, समवर्ति सूची ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से। इनमें से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था, तो किसका किया गया था, यह किया गया था समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द का, किसका, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द का, जोड़े गए थे 42वें संशोधन में, और इसको मिनी संविधान भी कहा जाता है। भारतीय संविधान की आत्मा किसको कहा जाता है, भारतीय संविधान की आत्मा किसको कहते हैं, ये कहते हैं आपके प्रस्तावना को, किसको, प्रस्तावना को। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है, तो ये घोषित किया गया किसमें, एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है, भारत में क्या है, लौकिक सार्वभौमिकता है, क्यों, क्योंकि संविधान की प्रारंभना प्रारंभ होती है कहाँ से, हम भारत के लोग से, कहाँ से, हम भारत के लोग से। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है, भारत में वंशानुगत शासक नहीं है, अभी अभी किसने आया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है, अच्छा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है, तो किस पर नहीं झलकता है, तो यह नहीं झलकता डी पर, चीन की क्रांति, कब हुई थी, 1912 में, आपसे पूछ भी सकता है। उसके बाद क्वेश्चन है आपका 112 नंबर, कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है, तो आंसर क्या है, लोक कल्याण, आंसर क्या है, लोक कल्याण, डी इज द राइट ऑप्शन। भारतीय मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत क्या है, मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक है, क्या, प्रभुत्व संपन्न राज्य, लोकतांत्रिक लोकतंत्रात्मक गणराज्य, आंसर क्या होगा इसका, आंसर होगा इसका फर्स्ट, 113 का आंसर क्या हो गया, फर्स्ट। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है, तो कल्याणकारी राज्य क्या होता है, जो कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करता है, जो कमजोर वर्गों के कल्याण का क्या करे, प्रबंध करता है। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं, तो कहाँ देख सकते हैं, ये देख सकते हैं प्रस्तावना के अंदर, कहाँ पर, प्रस्तावना के अंदर। तो साथियों ये मैंने पूरा पीडीएफ तैयार किया हुआ, इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन और भी हैं, आप ये टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लेना, और आज की वीडियो में आपको इतने क्वेश्चन कराएंगे, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।